तो हेलो दोस्तों, बी एस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम्स वर्गीकरण वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है, सब्जेक्ट्स में नहीं कह सकते क्योंकि ये सवाल आपके मेथड ऑफ टीचिंग मैथ, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ICT हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इसके वर्गीकरण से कम एक सवाल जरूर आता है, एग्जाम्स में आपके जरूर आएगा। तो इस वीडियो में हम इन्होंने तीन पक्ष जो दिए थे, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष, तो संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे इसमें और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होता क्या है और सबसे पहले जानते हैं कि ब्लूम्स वर्गीकरण होता क्या है, ब्लूम्स ने क्यों ये वर्गीकरण किया था। तो देखिए, ब्लूम्स ने इसका वर्गीकरण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था, शिक्षा उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था इसमें, क्योंकि ब्लूम्स का मानना था कि विचार था कि शैक्षिक उद्देश्य मात्र लक्ष्य नहीं होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या की संरचना की जाए अथवा शिक्षक की नियुक्ति की जाए। और विलियम्स ब्लूम ने कहा था कि शिक्षा के उद्देश्य तो छात्रों के सर्वांगीण विकास का आधार होते हैं और इसी आधार को मजबूत करने के लिए, इसी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था तीन पार्ट में, कौन कौन सा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। और इस वीडियो में हम ज्ञानात्मक पक्ष का विस्तृत अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि वर्तमान की शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर ही संचालित होती है, जैसे एक अध्यापक को पढ़ाने से पहले उस प्रकरण से जुड़े ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों का चयन करता है। यह सब ब्लूम्स वर्गीकरण का ही परिणाम है। आपने जब माइक्रो टीचिंग करी होगी या जब फाइल भी लिखा होगा तो उसमें विशिष्ट उद्देश्य में इन तीन बिंदुओं को पहले लिखा होगा कि आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसका ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है, भावात्मक उद्देश्य क्या है और मनोक्रियात्मक उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ज्ञानात्मक यानी संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होते हैं और इसकी प्राप्ति कैसे की जाती है। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष, जिसे हम संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, ये होता क्या है, एक्चुअली ये आपके ज्ञान और सूचनाओं पे आधारित होता है। यहाँ देखिए, यह पक्ष ज्ञान तथा सूचनाओं के संग्रह और उनकी उपयोगिता से संबंधित है, इसमें मस्तिष्क से संबंधित क्रियाओं का समावेश किया जाता है। ज्ञानात्मक का मतलब आपकी जो भी इस उद्देश्य, जो भी क्रियाएं जो आपके माइंड से रिलेटेड हो, आपके मस्तिष्क से रिलेटेड हो, संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आती है। इस पक्ष में सूचना तथा शब्दों, सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, आपके प्रिंसिपल्स, आपके फॉर्मूला, आपके थियरी, आपके डेफिनेशंस, आपके ज्ञान, परिभाषा, सूत्र, इन सारी चीज़ों को ज्ञान से संबंधित जिसको आपको नॉलेज लेना है वो किसके अंदर आती है भाई, ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर। मतलब हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उसमें उनके ज्ञान का क्या विकास होगा, ये सारी ज्ञानात्मक पक्ष का भाग है कि हम उनका नॉलेज क्या होगा, उन्हें ज्ञान का क्या विकास होगा। और फर्दर हमने इसको क्या किया भाई, 6 वर्गों में बांटा है जिन्हें सरल से जटिल क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन 6 चरणों से होकर गुजरना जरूरी है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ब्लूम्स ने इसको इस प्रकार वर्गीकरण किया है कि आपको शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करना हो, ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त करना है तो आपको इन 6 चरणों से होकर गुजरना जरूरी है, अति आवश्यक है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, ये ज्ञानात्मक पक्ष के वो 6 चरण हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन। वन बाय वन हम इसके बारे में जानेंगे, तब जाके समझ में आएगी कि क्यों इसके बगैर ज्ञानात्मक पक्ष का विकास नहीं किया जा सकता, ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले देखिए ज्ञान, उन्होंने सबसे ऊपर ज्ञान को क्यों रखा। हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बगैर ज्ञान के हम उन्हें कुछ दे ही नहीं सकते हैं, पहले उन्हें ज्ञान देना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसी बात पे ब्लूम्स ने क्या कहा कि ज्ञान को ब्लूम ने प्रथम स्थान दिया, क्योंकि बिना ज्ञान के बाकी बिंदुओं की कल्पना असंभव है। जब तक ज्ञान नहीं रहेगा किसी भी चीज़ को, हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, चाहे साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, पहले उनको ज्ञान देना पड़ेगा जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसकी एक्चुअल में मतलब क्या होती है, उसका उसको ज्ञान देना पड़ेगा। जब तक किसी वस्तु के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक उसके बारे में चिंतन करना असंभव है। किसी चीज़ के बारे में सोचने से पहले हमें उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमने बिना नॉलेज के ही चिंतन शुरू कर दिया तो क्या होगा, और अगर संभव ये हो भी जाता है कि
संभव हो भी जाता है कि बिना नॉलेज के ही आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि सही दिशा मिल पाए। तो उन्होंने क्या किया कि अगर संभव हो भी जाए तो सही दिशा नहीं मिल पाती है। इसी कारण ब्लूम्स के वर्गीकरण में इसकी महत्ता प्रथम स्थान दी गई है। किसकी? ज्ञान की। तो ज्ञानात्मक पक्ष का पहला बिंदु ज्ञान टोटली डिपेंड करता है ज्ञान अर्जित करने पे, आपको ज्ञान प्राप्त करने पे, नॉलेज एक्सेप्ट करने पे। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा पक्ष क्या है? इसका दूसरा पक्ष है अवबोध। ठीक है, अवबोध। पहले आप ज्ञानात्मक का थोड़ा सा उदाहरण देख लीजिए कि ज्ञानात्मक में हम बच्चों को एक्चुअल में ज्ञान क्या देते हैं। सूत्र या सिद्धांत याद करना, परिभाषा का ज्ञान देना, सूची, सारणी, संबंध आदि ज्ञान प्राप्त करना, ये किसके अंतर्गत आता है भाई? ज्ञानात्मक पक्ष। अवबोध का मतलब क्या होता है दोस्तों? अवबोध का मतलब होता है समझना। ठीक है, जब हमने ज्ञान दे दिया तो सेकेंड स्टेप क्या होता है? उसको बच्चे समझेंगे। अगर मान लीजिए हमने ज्ञान दे दिया, बच्चों को समझ में ही नहीं आया, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, तो आप शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए ब्लूम्स ने कहा कि अगर उद्देश्य को प्राप्त करना है तो इन 6 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला है कि बच्चों को ज्ञान देना है, दूसरा है कि बच्चों को अवबोध कराना है यानी कि समझाना है, और इस तरह से समझाइए कि बच्चे समझें। तो दूसरा हमारा क्या हो गया भाई? अवबोध। अवबोध अर्थात समझना। इसका संबंध प्राप्त ज्ञान को समझने से है, आपको समझना है। इसका संबंध मुख्यतः अनुवाद, प्रक्षेप एवं निर्देश, अर्थ समझाना तथा समस्याओं की व्याख्या तो अपने शब्दों में समझना है। जो भी समस्याएं हैं उसको विद्यार्थी अपने शब्दों में समझ जाए। तो अवबोध किससे रिलेटेड है भाई? अवबोध है आपके समझने से। तो हमारा दूसरा बिंदु अवबोध क्या है भाई? समझना है। ज्ञान प्राप्त कर लिए, उसको समझ लिए, तो शिक्षा के उद्देश्य में अब क्या करना जरूरी है? उसको अपने दिनचर्या में, जीवन में अनुप्रयोग करना अति आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पे ब्लूम्स ने कहा कि ज्ञान को क्रियान्वित यानी कि प्रैक्टिकल रूप देना अनुप्रयोग कहलाता है। ज्ञान प्राप्त हो गया, समझ भी गए, अब उसको जीवन में हमने प्रयोग कर लिया, उसी को अनुप्रयोग कहते हैं। प्राप्त किए गए ज्ञान की आवश्यकता पड़ने पर उसका सही तरीके से अपनी जिंदगी में उसे लागू करना एवं उस समस्या के समाधान निकालने प्राप्त किए गए ज्ञान द्वारा। जो भी समस्याएं, हमें जो ज्ञान मिला उससे अपनी समस्याओं का क्या भाई? समाधान निकालना है। यह ज्ञान को कौशल में परिवर्तित करता है और यही मार्ग छात्रों को अनुभव प्रदान करने में सहायता भी करता है। कौन सा भाई? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब भाई जो हमने प्राप्त ज्ञान किया उसको समझने के बाद अपने जीवन में अनुप्रयोग करना है। और इस अनुप्रयोग से क्या होता है? अनुप्रयोग से हमारा कौशल यानी कि स्किल्स डेवलप होता है, और इससे छात्रों में क्या होता है भाई? अनुभव प्रदान होता है। उनका व्यवहार क्या होता है भाई? परिवर्तित इसी से होता है। तो अनुप्रयोग क्या है? ज्ञान को क्रियान्वित रूप देना, प्रैक्टिकल रूप देना ही अनुप्रयोग कहलाता है। तो तीन चीज़ें हमने ज्ञान प्राप्त कर ली, अवबोध कर लिया, अनुप्रयोग कर लिया। अब आता है विश्लेषण। विश्लेषण में बच्चे क्वेश्चंस करेंगे, उनका तो काम है करना, ऐसा क्यों है, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, मतलब चीज़ों को तोड़ तोड़ के बच्चे पूछेंगे, चीज़ों को बिल्कुल खंडित करके अलग अलग करके उनको समझाना है। तो इसी को विश्लेषण कहते हैं, एनालिसिस करते हैं, छोटी छोटी बिंदुओं को समझना। तो विश्लेषण से ब्लूम्स का तात्पर्य था तोड़ना, अर्थात किसी बड़े प्रकरण को समझाने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त एवं नवीन ज्ञान का निर्माण करना तथा नवीन विचारों की खोज करना। वही बात है कि जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया, ठीक है, उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करके हमें नया ज्ञान लेना है, ओके, और एक नई खोज की क्या करना है भाई? नई विचार की खोज करना। यह ब्लूम का विचार समस्या समाधान में भी सहायक है। कोई समस्या आ रही है, उसकी समाधान को हम कैसे निकालेंगे? तो विश्लेषण का क्या मतलब है कि चीज़ों को तोड़ के, कि चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में करके उसे समझने से है, ठीक है। तो ये विश्लेषण हो गया। अब संश्लेषण, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? संश्लेषण। संश्लेषण से क्या करना? अब हम ज्ञान प्राप्त हो गया, अवबोध हो गया, अनुप्रयोग हो गया, छोटे छोटे भागों में हमने तोड़ के उसका विश्लेषण कर लिया, अब हम इसे वापस पुनः जोड़ के एक नया ज्ञान लेंगे, उसी को संश्लेषण कहते हैं। अब प्राप्त किए गए नवीन विचारों या नवीन ज्ञानों को जोड़ने, उन्हें एकत्रित करने, अर्थात जोड़कर एक नवीन ज्ञान का निर्माण करना क्या कहलाता है भाई? संश्लेषण। का बहुत ही आसान शब्दों में आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिलेगा कि संश्लेषण में क्या है भाई? प्राप्त किए गए नवीन विचारों या नवीन ज्ञानों को जोड़ना, उन्हें एकत्रित करना, अर्थात उसे जोड़कर एक नवीन ज्ञान का निर्माण करना संश्लेषण कहलाता है। समझ में आ रही है दोस्तों? अब बात करते हैं मूल्यांकन क्या होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
मूल्यांकन आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अवबोध कर लिया, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। मूल्यांकन क्या होता है? आपने जो कुछ भी किया क्या वो सही दिशा में किया, क्या उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, क्या सच में उससे शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं हुए, इसी चीज़ का आपको मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएशन करना है। तो यहाँ देखिए, सब करने के पश्चात उस नवीन ज्ञान का मूल्यांकन करना, करने की यह सभी क्षेत्रों में लाभदायक है कि नहीं। कहने का तात्पर्य है कि वैध एवं विश्वसनीय है या नहीं, मतलब वैलिड है, रिलायबिलिटी है, मतलब सही है और विश्वसनीय है या नहीं। जिस उद्देश्य से वह ज्ञान को प्रदान किया गया वह उद्देश्य की प्राप्ति करने में सक्षम है कि नहीं, यह मूल्यांकन द्वारा पता लगाया जा सकता है। वही बात हुई, मूल्यांकन हमें करना है, अपनी जो भी चीज़ें हमने पढ़ाई बच्चों को उसका मूल्यांकन करना है। तो देखा कैसे इतने सिस्टमेटिक तरीके से ब्लूम्स ने इसका वर्गीकरण किया कि आप पहले बच्चों को ज्ञान दें, क्योंकि बीएड के बच्चों को ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब वो टीचर बनने जा रहे हैं, अब वो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अगर शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप सच में वो प्राप्त करना चाहते हैं जो जिसके लिए आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बच्चों को ज्ञान देना है। ज्ञान देने के बाद आपको देखना है कि बच्चों की समझ में आ रही है कि नहीं, फिर बच्चों को खुद से प्रयोग करने पे बल देना है, और उसके बाद उन चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के उन्हें समझाना है, और फिर उन चीज़ों को जोड़ के जो नया हमारा पर्पस निकल रहा है उसके बारे में संश्लेषण समझाना है, और अंतिम में मूल्यांकन करना है। क्या मूल्यांकन करना है? मूल्यांकन करना है कि जो नवीन ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो सभी क्षेत्रों में लाभदायक है या नहीं, वो वैध और विश्वसनीय है या नहीं, या जिस उद्देश्य से हम वो ज्ञान बच्चों को दे रहे थे उस ज्ञान की प्राप्ति हुई या नहीं, इसी का हमें मूल्यांकन करना है। तो ये था दोस्तों हमारा ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में आपने देखा कि ज्ञान से संबंधित बातें हुई, आपके मस्तिष्क से संबंधित बातें हुई। अब ब्लूम्स वर्गीकरण में दूसरा पक्ष, भावात्मक पक्ष क्या होता है, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो को अपलोड करने में इश्यू हो जाएगी। सो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए कि ये जानकारी आपको कैसे लगी, कि क्या चीज़ें आपको समझ में आई, और अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे उस चीज़ों को सुधार किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है आपको ज्ञानात्मक पक्ष के सारे बिंदु, ज्ञान अवबोध, अनुकरण, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाता है कि ब्लूम्स वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए और ज्ञानात्मक पक्ष पर प्रकाश डालिए। भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष क्या होते हैं, इनके मुख्य बिंदु क्या हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, अगर ये जानकारी अच्छी लगी बोले मुझे बहुत खुशी होती है आपके फीडबैक पढ़ के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।